बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोहर को अपना दीवाना बनाने का रूहानी वजीफ़ा। हमारा आज का ये कुरानी अमल शोहर को अपनी मोहब्बत में दीवाना बनाने के मुतल्लक है। शोहर अगर मोहब्बत से पेश नहीं आता और अपनी बीवी को कोई ख़ास अहमियत नहीं देता और बीवी बेचारी मजबूर होकर हालात से समझौता कर लेती है, आज का हमारा ये अमल बहुत मुख्तसर है और ये सिर्फ़ उन बीवियों के लिए है जो ऐसे हालात से दो चार हैं। वो खलूस से दिल के साथ ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह शोहर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपकी हर बात मानेगा। ये अमल बहुत मुजरब है, बस ज़रा ज़िम्मेदारी से करना है। दोस्तों वजीफ़ा ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वजअलना मिन बैनी अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फाख्शैनाहुम फहुम ला युबसिरून। इस आयत मुबारका को पढ़ने से पहले अव्वल और आखिर तीन दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर सफ़ेद चीनी पर दम करना है और यही चीनी अपने खामंद को चाय या दूध में इस्तेमाल करवानी है। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो सब घर वालों को भी खिला सकती हैं, इससे वो सब भी आपसे मोहब्बत करेंगे। और जब भी चीनी ख़त्म हो और जब दोबारा चीनी लाएं, फिर ये अमल उस चीनी पर करना है। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में आपका खामत ठीक हो जाएगा और आपकी हर बात मानेगा और आपका हर तरह से ख्याल रखेगा। इंशाअल्लाह नमाज पाबंदी से पढ़ें। ये रूहानी अमल आप दिन या रात में किसी वक्त भी कर सकती हैं। आपका बावजू होना ज़रूरी है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।